शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चौधरी साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बच्चा आराम से हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? ललिता की हालत क्या हुआ? ललिता को बताइए ना डॉक्टर। मैंने उसी दिन आपको चेतावनी दे दी थी कि ललिता बहुत कमजोर है, दिल की मरीज है, बच्चे को जन्म देते वक्त उसे बहुत तकलीफ होगी। अब उसकी हालत देखते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बच्चे को बचाएं या माँ को? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, उन दोनों को बचाना होगा, मुझे दोनों की जिंदगी प्यारी है, उन दोनों को बचा लीजिए डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे भगवान के हाथ में। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, मिलना जरा मुश्किल है लेकिन ढूंढ के ले आइएगा, ठीक है? ये लीजिए भैया, आप यहीं रहिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ, जल्दी आना। डॉक्टर, लक्ष्मी जी का बच्चा हो गया। क्या मैं बदने से बाप बन गया? लक्ष्मी? हाँ, मैं लक्ष्मी ही हूँ, अब मुझे सिर्फ इसी नाम से पुकारेंगे। बीच में मुझे और एक नाम मिला था, बांझ, मुझे बांझ पुकारा जाता था, अब मुझे कोई बांझ नहीं पुकारेगा, क्योंकि मैं माँ हूं ना, माँ। अब आप खुश हैं ना? हाँ लक्ष्मी, बहुत खुश हूँ, लेकिन लेकिन ललिता। डॉक्टर जल्दी चलिए। क्या हुआ? ललिता को। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। चौधरी साहब आप यही रहिए। ये सब क्या हो रहा है, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम खामखा चिंता मत करो। नहीं, जरूर कोई बात है, इसलिए आप इतने परेशान हैं, फौरन जाइए, लेकर आइए ललिता को। क्या हुआ? ठीक है अभी आए। ललिता को क्या हुआ डॉक्टर? अब कैसी तबीयत है उसकी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा बेजान पैदा हुआ। क्या? मगर ललिता की हालत बिल्कुल ठीक है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। फिर भी एक समस्या है चौधरी साहब, एक तो ये कि ललिता पहले से ही कमजोर है, ऊपर से जचकी भी बहुत मुश्किल से हुई है, इसलिए उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है, और इस वक्त वो एक छोटे से सदमे को भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मतलब उसे बच्चे के मरने की खबर अभी तक नहीं हुई है, अब तक बेहोश है, लेकिन होश में आने के बाद अगर उसे पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ललिता के होश में आने से पहले उसके पास आज ही पैदा हुआ एक बच्चा रख देना चाहिए। मैं समझ गया डॉक्टर, क्या मैं ललिता को देख सकता हूँ? डॉक्टर अभी अगर इसे होश आ जाए तो? होश आने ही वाला है, जाइए जल्दी जाइए। जी। क्या हुआ, मिलते कैसी है? ठीक तो है। ठीक तो है क्या, क्या मतलब? मतलब ये कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या उसका बच्चा बच्चा हुआ या नहीं? बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही मर भी गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उसके शुभ पैर हमारे घर में पड़ते ही मैं बरसों बाद माँ बन गई, उस शाबागन की गोद हरी करके और उस भाग्य लाने वाले की गोद सोनी कर दी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे ललिता के पास ले चलिए। एक तो ललिता की तबीयत पहले ही बहुत कमजोर है, अब वो एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, ऊपर से डॉक्टर ने यह कहा है कि बच्चे के मौत की खबर उसकी मौत का कारण बन सकती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं, बस एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं, समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कह देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है। ललिता होश में आने के बाद पूछेगी कि दीदी आपका बच्चा कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हमारा बच्चा मर गया। कि
क्या कह रही है? अरे ये सच थोड़ी है, उसका दिल रखने के लिए कह देंगे। हाँ कह देंगे, लेकिन कितने दिनों तक? जब तक उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। महीना लग सकता है, 10 महीने लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कहना तो पड़ेगा ही। देर हो रही है लक्ष्मी, ये सोचने का वक्त नहीं है। आप ले जाइए इसे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तो हम यही कह देंगे कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अगर हम यही कहेंगे कि हमारा बच्चा मरा नहीं था, जिंदा है, यही हमारा बच्चा है, तो लोग हमारी बात का विश्वास करेंगे। लक्ष्मी, हमारी ललिता जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है, उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें लोगों की फिक्र हो रही है। आप क्या जाने, लोगों ने मेरे दिल पर शब्दों के कैसे कैसे तीर चलाए हैं, मुझे वो औरत कैसे रही जिसके कोख से औलाद की फसल उग नहीं सकती, मेरे साये को भी मरहूस समझते रहे। आज परसों बाद भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया कि लक्ष्मी बांज नहीं है, वो भी बच्चे को जन्म दे सकती है, माँ बन सकती है। आज उन लोगों के सामने मैं अपनी औलाद को गोद में लेकर सर उठाकर चलने का मौका आया, तो आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अब मैं माँ बनने के बाद भी आप मुझे बांज कहलवाना चाहते हैं। सुनिए, मैं अपना बच्चा हमेशा के लिए ललिता को देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि एक बार दुनिया को पता चल जाए कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे को मेरे ही नाम मिले। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे को नाम तुम नहीं ललिता देगी, और ललिता के साथ साथ दुनिया भी यही समझेगी कि इस बच्चे को जन्म तुमने नहीं ललिता ने दिया है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आखिरी बार तुमसे विनती कर रहा हूँ लक्ष्मी, मेरी बात मान लो, तुम्हारी हाथ से वो जी जाएगी और तुम्हारे नाथ से वो मर जाएगी। आपको क्या पता कि दुनिया ने मुझे कितना सताया, आपके बारे में क्या क्या कहा, कि लक्ष्मी को बच्चा नहीं होता तो उसमें पूरा दोष लक्ष्मी का नहीं, उसके पति भी उसके जिम्मेदार है। मैं अपने बच्चे को दिखाकर उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ और करके ही रहूं। भैया भैया भैया, मैं बाप बन गया, मेरे को बच्चा हुआ है। हाँ भैया, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ आओ ना, आओ ना मेरे साथ, आओ देखो भैया। मुबारक हो बेटी। की मर्जी कहूं या तकदीर का जुल्म, मुझे समझ में नहीं आता। ललिता की गोद सुनी रह जाती और भगवान तुम्हारी गोद भर देता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता भाभी, क्योंकि मेरी नजरों में औलाद से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं की कीमत है। रो मत भाभी, रो मत। Thank you.
तुम भी आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसी हरकतें कर रही हो। मॉडर्न लड़कियों जैसी? क्या मतलब? मतलब ये मैम साहब कि आजकल की लड़कियां बच्चे को अपना दूध पिलाने की बजाय बोतल से बाजारी दूध पिलाती हैं, ताकि उनकी खूबसूरती में कोई फर्क ना आ जाए। तुम भी वैसा ही कर रही हो। अगर बच्चे को सेहतमंद बनाना है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए, समझी? जानती हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। एक तो मैं पहले ही कमजोर थी, किशन के पैदा होने के बाद खून में और कमी हो गई, मैं ज्यादा कमजोर हो गई, इसलिए दूध बनता ही नहीं। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस मामले में दीदी बड़ी महान है। भगवान ने उनका अपना बच्चा उनसे छीन लिया, लेकिन वो किशन को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करती है, और जब वो किशन को प्यार करती है तो उनकी ममता छलक उठती है, और साथ ही उनके सीने से किशन के लिए दूध भी छलक पड़ता है। भारतीय नारी की जो परंपरा है वो सारे गुण और ममता दीदी में है। इसमें क्या शक है? काश उनका बच्चा जिंदा होता। लेकिन ये बच्चा, देखिए, पेड़ के फल और समंदर के नमक का क्या संबंध, मगर जब वो दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है। इसी तरह मैं और दीदी दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दूध पिलाने का सौभाग्य सिर्फ दीदी को मिला। अच्छा, जरा बच्चे को संभालो, मैं देखकर आती हूँ दीदी ने खाना खाया है नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। अरे बच्चों, कहाँ लेके जा रही हो? दीदी के पास। क्यों? ओहो, दीदी की गोद में जाके फौरन सो जाएगा। बच्चे को मेरे पास छोड़कर क्यों जा रही हो? चलो वही ले जाओ इसे। नहीं नहीं दीदी, सारा दिन इसे गोद में लादे लादे मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, अब मुझसे और नहीं उठाया जाता, आप ही इसे अपने पास उला दो ना। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक आधी रात में उठकर रोने लगे और दूध मांगे तो? नहीं नहीं दीदी, ये नहीं उठेगा, आप ही के पास तो मजे में सोता है, उल्टा मुझे ही रातों को परेशान करता है। अब देखिए ना, वैसे ही कमजोर हूँ, खून की भी तो कमी है, अगर मैं मर गई तो किशन को कौन संभालेगा? ललिता, खबरदार जो ऐसे मनहूस शब्द मुंह से निकाले तो, मारे तेरे दुश्मन। जाओ, जाकर सो जाओ, मैं बच्चे को सुलाती हूँ। जाओ। ओए माँ, फटा जा रहा है, दिमाग पंखे की तरह चकरा। अरे क्या हुआ? दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द सर, दर्द कमर। तुम नहीं डरो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। क्या मतलब? बुद्धू, मतलब ये कि दीदी की तरह तुम भी धोखा खा गए। यही नाटक करके तुम्हें बच्चे को दीदी के पास छोड़ाई हूँ। बच्चा छोड़ाई हो ठीक है, लेकिन भाभी के साथ नाटक करने की क्या जरूरत थी? वैसे माफ करना, तुम एक बच्चे के बाप तो बन गए हो, लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो। इतना भी नहीं समझते कि इतने बरसों बाद दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसे भी भगवान ने छीन लिया, अब अपनी सुनी और खाली गोद देखकर दीदी को दुख नहीं होगा क्या? ओ, नहीं, नहीं, नहीं। Thank you.